बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ एंड डिटरमिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर सिंपली मैग्नेटिक इंडक्शन का भी नाम दिया था। ठीक है, तो अब हम उसके लिए एम्पियर्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। एम्पियर्स लॉ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था। गॉसेस लॉ क्या करता था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज होता था यानी कि ई। बिल्कुल इसी तरह एम्पियर्स लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब हम एम्पियर्स लॉ स्टार्ट करते हैं। एम्पियर बेसिकली एक साइंटिस्ट था, उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस और उससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज फाइंड करने के लिए। काफ़ी डिटेल में उसने स्टडी की थी और जो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे उससे उसने एम्पियर्स लॉ जो है वो हमें दिया था। ठीक है, तब हम एम्पियर्स लॉ स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, एम्पियर्स लॉ को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग रॉड या करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिसे आपको फिगर में नजर आ रहा है, फिगर 14.6। ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पाथ अज्यूम किया है, इस पाथ को हम एम्पीरियन पाथ कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर आपको याद हो गॉसेस लॉ में हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम की थी, इसी तरह हम इसके अक्रॉस एक सर्कुलर पाथ अज्यूम कर रहे हैं, इसको हम एम्पीरियन पाथ कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे पैचेस में आप इस तरह डिवाइड करें कि हर पैच जो है वो कर्व्ड सरफेस की बजाय एक फ्लैट सरफेस अपेयर हो, तो ये आपको एक छोटा सा एलिमेंट नजर आ रहा होगा जिसके क्रॉस डेल्टा एल लिखा हुआ है। ठीक है, ये एम्पेरियन पाथ का एलिमेंट है। इस तरह हम सारे पाथ को बहुत सारे छोटे छोटे सर्फेसेस में, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सर्फेसेस नहीं, लेंथ एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक हमने पाथ अज्यूम कर लिया, दूसरा अगर आपको याद हो तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था। तो अगर वो राइट हैंड रूल यूज करें तो जब आप फिंगर्स कर्ल करेंगे तो ये आपकी जो डायरेक्शन उसकी होगी वो किस तरह होगी, एंटी क्लॉक वाइज आएगी। ठीक है, उसके डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो चूंकि सर्कुलर पाथ है इसलिए हर पॉइंट पर जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, अलोंग टेंजेंट। इस तरह अगर आप ये वाला एलिमेंट ले लें तो इस तरह होगा टेंजेंट, ये वाला एलिमेंट ले लें तो इस तरह होगा, यानी कि होगी सर्कुलर फील्ड। लेकिन जब सर्कुलर फील्ड में आपने सिंगल पॉइंट पर डायरेक्शन लेनी है तो ऑब्वियसली वो टेंजेंट से आएगी ना, तो इस एलिमेंट के जो डेल्टा एल लिखा हुआ है इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ये देखें इस एरो से शो किया गया है, इस एलिमेंट के अक्रॉस जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इस टेंजेंट से आ गई है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया कि इस सर्फेसेस को बहुत सारे पैचेस में डिवाइड कर दिया। हर एम्पेयर ने ये कहा था कि ये जो हर एलिमेंट है इस एलिमेंट के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ एलिमेंट है उसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, बी डेल्टा बी डॉट डेल्टा एल विच इज इक्वल टू बी डेल्टा एल कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जो है इस पूरे सर्कुलर पाथ को जो हमने अज्यूम किया था क्योंकि एम्पेरियन पाथ है इसको बहुत सारे पैचेस में डिवाइड करते हैं। अब ये एम्पेयर्स लॉ का रिजल्ट नहीं है, ये सिंपल जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ का एक्चुअल रिजल्ट क्या था वो भी हम थोड़ी देर तक पहुंचेंगे वहां तक। तो हम इसको बहुत सारे सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एलिमेंट के अक्रॉस अगर हमने ये b डॉट डेल्टा l कैलकुलेट करना हो तो किस तरह आएगा, इस तरह से। फर्स्ट पैच है तो b डॉट डेल्टा l 1 प्लस b डॉट डेल्टा l 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस b डॉट डेल्टा l n। तो एम्पियर ने ये कहा कि ये जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कहा ना, इन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अक्रॉस जब हम b डॉट डेल्टा l कैलकुलेट करेंगे और उसको सम करेंगे तो वो जो टोटल आंसर आएगा वो म्यू नॉट टाइम्स करंट आएगा, करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, ये एम्पियर्स लॉ की
स्टेटमेंट है। इसने क्या कहा, सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन टू विच एम्पिरियन पाथ और अ कंप्लीट लूप इज डिवाइडेड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। और इसमें म्यू नॉट जो है ये एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। गॉसेस लॉ में कौन सा कांस्टेंट अपेयर हुआ था, एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा था। यह है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। मैथमेटिकली अगर आप एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट लिखना चाहें तो क्या होगा, सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन टू विच एम्पेरियन पाथ हैज बीन डिवाइडेड equals to mu naught multiplied by I। तो इस क्वान्टिटी को जो आपके पास लेफ्ट साइड पर आप सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई सिंबल ले लें, आर ले लें, आई ले लें, कहाँ से वन से लेकर एन तक होगा क्योंकि एन एलिमेंट्स हैं। पी डॉट डेल्टा एल यहाँ पे आपने जो भी सिंबल चूज किया है वो लिख लें, आर है तो आर, आई है तो आई, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, एम्पियर स्टेटेड दैट द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इनटू व्हिच द कंप्लीट लूप, कंप्लीट लूप कह रहे हैं उसी एम्पेरियन पाथ को, वो जो सर्कल हमने अज्यूम किया था ना, क्लोज सर्कल था ना, तो इसलिए वो लूप भी है। कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप व्हेन म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट नोन एज परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। In SI unit, its value is 4π × 10⁻⁷ Weber per ampere per meter. Mathematical statement है, ठीक है, और इस statement को दोनों में से कोई भी लिख लें, दोनों ठीक है। Statement को हम Ampere's law या Ampere's circuit law कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास एम्पियर्स लॉ था। अब हम जरा चेक करते हैं कि एम्पियर्स लॉ से किस तरह से हम फ्लक्स डेंसिटी या बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से उसको निकालेंगे। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलेनॉइड चीज क्या है। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। तो हमने क्या किया है, एक वायर है, कॉइल है वायर का, हमने उसको जैसे एक सिलेंडर, आप समझे सिलेंडर के ऊपर उसको अच्छी तरह से लपेट दिया है, ठीक है, टाइटली लपेट दिया उसको और बीच में से सिलेंडर निकाल लिया, तो वो जो कॉइल बनेगा ना, स्प्रिंग नुमा कॉइल, उसको हम कहते हैं कि ये सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली, ये वायर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। व्हेन करंट पैसेस थ्रू सच अ कॉइल इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो जब इस तरह के कॉइल में से करंट पास करेगा तो ये एक बार मैग्नेट, बार मैग्नेट वही जो आपने देखा होगा इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, एक तरफ नॉर्थ लिखा होता है, एक तरफ साउथ लिखा होता है, रेड और ब्लू कलर का, वो उसका बार मैग्नेट कहते हैं। तो जब इसमें करंट पास करता है तो ये एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ कि जब भी आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर आता है, स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा है, तो उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है, जैसा हमने पिछली एक्सपेरिमेंट्स में देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट वायर नहीं है, इस वायर को आपने टर्न्स दिए हुए हैं, आपने इसके कॉइल की फॉर्म में टर्न्स बनाए हुए हैं और हर टर्न जो है वो सर्कल बन रहा है, ठीक है, हर टर्न जो है उसकी शेप सर्कुलर है। तो इस किस्म की वायर जो है जब उसमें से करंट पास करता है तो उसकी फील्ड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट होती है। अगर आप बाहर वाली साइड देखें, इसके लेफ्ट और राइट साइड देखें, तो वो स्ट्रेट होती हैं। हाँ, ऊपर वाली साइड थोड़ी सी उनमें मैग्नेटिक फील्ड कर्व्ड होती है, वो शेप मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह से होती है। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी है सर्कुलर कॉइल की, समझ लें, सर्कुलर वायर की समझ लें, कि जब उसमें से करंट पास करेगा तो उसके अक्रॉस जो फील्ड होगी वो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट होगी और वो एज अ बार मैग्नेट अपेयर होगी, ठीक है। वही लिखा है कि जब सोलेनॉइड में से करंट पास करता है तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बिल्कुल उसी तरह एक पोल इसका साउथ बन जाए, एक साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूसरी साइड जो है वो साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है।
ठीक है. अच्छा, द फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड मच स्ट्रॉन्ग, वेयर एज आउटसाइड द सोलिनॉइड इट इज सो वीक दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू द फील्ड इनसाइड. तो जो इनसाइड रीजन है सोलिनॉइड का, उसमें फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, जबकि अगर हम बाहर निकल जाएं, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सारी साइड्स जो हैं, यहाँ पे फील्ड बहुत वीक होगी, इतनी वीक होगी कि उसको हम नेग्लेक्ट भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है. ठीक है, तो अब हमने वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ठीक है, और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम इस पर एम्पीयर्स लॉ लगाएंगे. लगाने का क्या तरीका है वो अब हम देखते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से एम्पीयर्स लॉ अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. एम्पीयर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम सोलिनॉइड की इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब हमने टर्न्स की बजाय करंट की डायरेक्शन बना ली है. ये देखें, ऊपर वाली लाइन में आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, नीचे वाली लाइन में आपको क्रॉस नज़र आ रहे हैं. ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है, करंट आउटवर्ड है, और क्रॉस का मतलब है करंट इनवर्ड है. और ये आपको फील्ड लाइंस नजर आ रही हैं. ये देखें, सेंटर में जो इनसाइड रीजन है सोलेनॉइड का, यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं, और बाहर जाते जाते ये थोड़ी सी वीक हो रही है. ठीक है, अच्छा अब एक चीज और डिसाइड करनी है हमने कि दोनों राइट और लेफ्ट में से कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और राइट हैंड रूल है. एक तो वो राइट हैंड रूल था जो हमने स्ट्रेट वायर पे लगाया था, ये राइट हैंड रूल जो है ये कॉइल के लिए है. आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. पहले हम क्या करते थे, पहले थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते थे और कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती थी. अब आपने क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में, और थंब जो होगा जिस तरफ पॉइंट करेगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा. ठीक है, तो अगर आप अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें, ऊपर से आउटवर्ड है और नीचे से इनवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में कर्ल करें, तो आपका थंब देखिए राइट साइड पर जा रहा है, यानी कि फील्ड इस तरह निकलेगी, राइट साइड पर निकल रही होगी, इमर्ज हो रही होगी. ठीक है, तो अगर आपको पता है ये बात, अगर नहीं पता तो सुन लें कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस एमिट होती हैं और साउथ पोल के अंदर दाखिल होती हैं. ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल के अंदर दाखिल होती हैं. तो जब हमारा थंब राइट साइड पर जा रहा है, इसका मतलब है फील्ड लाइंस राइट साइड से एमिट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि राइट साइड जो है हमारी वो नॉर्थ पोल है, और जब ये वाली साइड नॉर्थ पोल है तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड जो है वो साउथ पोल होगी. ठीक है, तो ये राइट हैंड रूल है. सर्कुलर वायर्स में या कॉइल्स में या सोलिनॉइड में फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन देख के हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड कर लिए. ठीक है, ये हमारा फील्ड आ गया, हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ गई. अब इसको हमने फिगर बी के अंदर थोड़ा सा वाइड करके बना लिया है. फील्ड लाइन्स आपको नजर आ रही होंगी. ठीक है, डायरेक्शन देख लें, राइट साइड पर ही है. ये साउथ पोल हमने बनाया था लेफ्ट साइड को, तो यहाँ से अंदर आ रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है. ठीक है, ये ऊपर वाली सरफेस पे आपको डॉट नजर आ रहे हैं, नीचे वाली सरफेस पे आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं, तो ये हमने बना लिया. अब हमने क्या करना है, अब हमने एक क्लोज लूप या एम्पेरियन पाथ बनाना है. ऑब्वियसली एम्पेरियन पाथ होगा तो एम्पीयर्स लॉ अप्लाई होगा, जैसे कि हम गॉसेस लॉ में करते थे, गॉसियन सरफेस लेते थे और उसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करते थे. यहाँ भी हमने सेम काम करना है. हमने क्या करना है, हमने एक एम्पेरियन पाथ लेना है. ठीक है, वो किसी भी शक्ल का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर हो, बस शर्त क्या है कि वो क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए. ठीक है, तो इस केस में, सोलिनॉइड के केस में हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर किया है. ये जो आपको ब्लू लाइन से नजर आ रहा है, ए बी सी डी. ठीक है, तो हमने एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया ए बी सी डी, जैसे कि आपको इस फिगर बी में नजर आ रहा है. अब हम इसको जिस तरह हमने उधर सर्कुलर पाथ को छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, हम इस रेक्टेंगुलर पाथ को क्या कर सकते हैं, चार एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा बी सी, एक हो जाएगा सी डी और एक हो जाएगा डी ए. ठीक है, अब नाम दे दिए हैं, ये ए बी जो है वो एल वन हो जाएगा, बी सी जो है एल टू, सी डी एल थ्री एंड डी ए एल फोर. तो इस तरह हमने एक पाथ ले लिया, उसको लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया
और फिर उसके बाद हमने उसकी लेंथ को डिफरेंट नाम दे दिए। अब हम आते हैं एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करने की तरफ। ठीक है, जब भी मैंने आपको राइट हैंड रूल बताया था, कहीं लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो आपने खुद से कर लेना है। ये बुक एक्चुअली ई बुक है, ये वो वाली बुक नहीं है जो आप लोग पढ़ते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, आई डोंट नो इसमें मेंशन हुआ हुआ है राइट हैंड रूल या नहीं हुआ हुआ। अगर नहीं भी हुआ हुआ तो ये आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं मुझे राइट हैंड रूल नज़र नहीं आ रहा। एनी हाउ, आप अपनी दूसरे बुक्स में देखेंगे जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं, जो हार्ड हार्ड फॉर्म में होती हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ओके, हम क्या करने लगे हैं, हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने लगे हैं। तो एम्पियर्स लॉ, चूंकि हमारे पास चार एलिमेंट हैं, तो क्या बन जाएगा, सम हमारा चलेगा फ्रॉम 1 to 4, बी डॉट डेल्टा एल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई करंट इनक्लोज्ड। ठीक है, अब हमारे पास चार एलिमेंट हैं, चारों के लिए हमने बी डॉट डेल्टा एल लिख लिया है। ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय करंट एनक्लोज्ड। अब हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट L1 व्हिच वाज AB। अगर मैं आपसे कहूं कि L1 और B में क्या एंगल है, तो आप क्लियर ये नजर आ रहे हैं कि दोनों पैरेलल हैं। L1 की डायरेक्शन ये है, ये देखिए ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, हमने जो लूप की डायरेक्शन ली है वो है ए बी सी डी ए। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन है। अगर आप रिवर्स में चलेंगे तो एंगल्स उल्टे होते जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, ए बी और बी यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब आप इससे बी डॉट डेल्टा एल कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, बी डॉट डेल्टा एल वन इक्वल्स टू बी की जगह एज इट इज डेल्टा एल की जगह L1 आ जाएगा, क्योंकि हमने उसकी लेंथ को L1 बोला है। cos 0 1 होता है तो ये आ जाएगा L1B। ठीक है, अब हम ले रहे हैं सी डी साइड, देखते हैं सी डी कौन सी है। सी डी ये वाली साइड है। अच्छा, अब हमें इसमें एंगल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, अभी हमने क्या कहा था कि इनसाइड द फील्ड स्ट्रांग और आउटसाइड वो इतनी वीक है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ए फिगर में ये ऊपर नज़र आ रहा है कितनी कितनी वीक फील्ड है। ठीक है, सॉरी मैंने शायद पहले स्ट्रांग बोला था, वीक फील्ड इतनी वीक है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आप देखें सी डी साइड आउटसाइड द सॉलिनॉइड है, तो उसमें से जो फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं या फील्ड पास करी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, तो आप समझ लें कि बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, एंड दैट्स वाई बी डॉट डेल्टा L3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉर द एलिमेंट सी डी इक्वल्स टू L3 दैट लाइज आउटसाइड द सॉलिनॉइड द फील्ड बी इज 0। यहाँ आप आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि आउटसाइड द सॉलिनॉइड फील्ड इतनी वीक है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इस वजह से बी इज अप्रॉक्सीमेटली 0। तो ये वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट के अक्रॉस हमारे पास बी डॉट डेल्टा एल जो है वो 0 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे एलिमेंट्स जो इन्होंने ऐसे ही लिखने हैं, कैलकुलेट नहीं किए। तो हम ए से बी और बी से सी जा रहे हैं, तो बी सी और फील्ड के बीच में एंगल देखें 90 है, 90 का कॉस 90 0, इस एलिमेंट के अक्रॉस बी डॉट डेल्टा एल 0 आ जाएगा। इन द सेम वे डी ए है, अगेन एंगल 270 बन जाएगा, इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, फील्ड बी डॉट डेल्टा एल जो है वो 0 हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, अगेन बी इज परपेंडिकुलर टू L2 and L4 इन साइड द सॉलिनॉइड एंड इज 0 आउटसाइड, सो बी डॉट डेल्टा L2 एंड बी डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इन चारों वैल्यूज को अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने ऊपर लिखी थी एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि बाकी 3 0 हो गए थे, सिर्फ ये बचा था, तो हमारे पास आ जाएगा बी L1 इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई करंट एनक्लोज्ड। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम आ गया करंट का। टू फाइंड द करंट एनक्लोज्ड कंसिडर द रेक्टेंगुलर सरफेस बाउंडेड बाय द लूप ए बी सी डी ए। अब आपने क्या किया, करंट निकालने लगे। करंट के लिए आपने क्या किया है, ये जो ब्लू लाइन से एम्पेरियन पाथ बना हुआ है इसको दोबारा कंसिडर किया है, ए बी सी डी ए। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड द रेक्टेंगुलर सर्फिस विल इंटरसेप्ट एन एल वन टर्न्स. अब वो क्या कह रहा है कि सपोज आपकी यूनिट सॉलिनॉइड की जो यूनिट लेंथ है उसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अगर आप एल वन ले रहे हैं तो एल वन के अंदर कितने टर्न्स आएंगे. इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आपके पास एक मीटर यूनिट लेंथ ली है तो आप इसको एक मीटर कह लें या एक सेंटी एक मीटर कह लें, चलें एग्जांपल के लिए. एक मीटर में यूनिट लेंथ में आपके पास एन टर्न्स हैं, तो दो मीटर में कितने टर्न्स होंगे, टू मल्टीप्लाइड बाय एन. तीन मीटर में कितने टर्न्स होंगे, थ्री मल्टीप्लाइड बाय एन. तो अगर आपके पास लेंथ एल वन है, एल वन मीटर है, तो कितने टर्न्स होंगे, एल वन मल्टीप्लाइड बाय एन. तो वही लिखा हुआ है कि अगर यूनिट लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एन एल वन जो है वो एल वन के अंदर टर्न्स आएंगे. ठीक है, यानी कि एल वन की एल वन के अंदर जो टोटल टर्न्स आएंगे होंगे एन मल्टीप्लाइड बाय एल वन. ठीक है, ईच कैरिंग अ करंट आई, हर टर्न में से अगर एक आई करंट गुजर रहा है तो टोटल करंट क्या होगा, हर टर्न में से आई गुजर रहा है और टोटल टर्न्स कितने हैं, n मल्टीप्लाइड बाय l1, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, n l1 मल्टीप्लाइड बाय i. तो टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ एम्पीरियन पाथ और क्लोज्ड लूप इज n l1 i. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b l1 इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय n l1 i. ठीक है, अब अगर L1 को आप सिंप्लीफाई कर दें, एक ही लेंथ अपेयर हो रही है तो उसको L कह दें आप, तो इसको आप म्यू नॉट N L I भी लिख सकते हैं, राइट. अच्छा, अब देखिए जरा, L1 यहाँ पे भी है या L यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलॉन्ग दिस सॉलिनॉइड. ठीक है, the field B is along the axis of the solenoid and its direction is given by right hand grip rule. चलें जी, ये right hand rule आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इस तरह से चलें पढ़ लेते हैं एक दफा right hand rule की statement. Hold the solenoid in the right hand with the fingers curling in the direction of the current. The thumb will point out the direction of field. So this is how we apply the Ampere's law and find magnetic field intensity or flux density. तो ये जो है ये तरीका है इस तरह, तो एक दफ़ा तरीका हम रिवाइज कर लेते हैं. क्या मेथड है हमारे पास कि हमने एक क्लोज लूप कंसिडर करना है या एम्पेरियन पाथ जिसको हम कहेंगे. ठीक है, उसके ऊपर आपने उसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेना है, लेंथ एलिमेंट्स में. हर एलिमेंट के अक्रॉस आपने बी डॉट डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, फिर उसको सम करना है, उसके बाद आपने करंट कैलकुलेट करना है. ठीक है, टोटल करंट, और उसके बाद जो है जब आप उसको सम अप करेंगे जो भी कैंसिलेशन वगैरह होती होगी, एंड एट द एंड आपके पास क्या बच जाएगा, बी की वैल्यू निकल आएगी. तो इस तरह से हम एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी जो है वो फाइंड करते हैं. तो ये था एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ, और इसको सीखने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ली सॉलिनॉइड की. थैंक यू सो मच.